हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन सिद्धार्थ लाइव। और आज लोगों का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। मैं जानता हूं कि थोड़ी सी लाइट कम आ रही होगी मेरे पुराने वीडियो के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको पता है मैं क्वारंटाइन में हूं अभी कॉलेज के अंदर। यहां पर जो लाइट वगैरह के मैं प्रॉपर अरेंजमेंट अभी तक नहीं कर पाया हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला ब्लॉग था, मुझे आदत भी नहीं है ब्लॉग बनाने की और मेरे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं है अभी तक। बट मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अच्छे से वीडियोस देखोगे, खूब सारे वीडियोस शेयर करोगे, थोड़ी बहुत यूट्यूब से अर्निंग होगी, तो मैं एक नया मोबाइल खरीद लूंगा। ये एजुकेशन चैनल है, मैं इस पर पता है कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा प्लेसमेंट से रिलेटेड, डेटा साइंस से, एमटेक से रिलेटेड कंटेंट डालूं। मैं ब्लॉग डाल के इस चैनल का मतलब एक इंपॉर्टेंस खत्म नहीं करना चाहता हूँ। बट मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना एक हफ्ते हफ्ते में एक आध ब्लॉग डाल दिया जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि हफ्ते हफ्ते में मुझे कैंपस ब्लॉग डाल देना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ भैया डाल दो ब्लॉग, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मैं ब्लॉग ज्यादा नहीं डालूंगा इस चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी कराने वाला है मेगा कॉम्बैट, यहाँ पर अगस्त 29 को 11 बजे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपीट, क्रैकर और कॉन्कर। यहाँ पर मतलब आपका एक पूरा डैशबोर्ड रहेगा जिसमें स्कोर लिखा होगा, लीडर बोर्ड के नाम लिखे होंगे, रेटिंग लिखी होगी और अवार्ड लिखे होंगे। यहाँ पर जो कंपटीशन फॉर्मेट है पूरे 60 मिनट का है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 ब्रांचों के लिए हो रहा है। देखो, CSIT, ECEE और रिलेटिव स्कोरिंग बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जो टॉप 200 लोग है वो जीत सकते हैं। रैंक 1 को मिलेगा आईपैड मिनी, रैंक 2 को मिलेगा फिटबिट का वर्सा, JBL के रैंक 3 को स्पीकर, देन 4-10 रैंक को मिल जाएंगे यहाँ पर JBL के हेडफोन्स, और 11-200 रैंक वालों को मिलने वाले हैं वाउचर्स। तो स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 करोड़। यहाँ पर जो एनरोल, जो एग्जाम होने वाला है वो संडे को 11 बजे होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग इसे एनरोल कर लीजिए और कोड को यूज कर लीजिएगा SID12334। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है, ठीक है, अगर आप ऐप के थ्रू जा रहे हो तो गो टू ट्राई या मॉक सेक्शन में जाना है आपको, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आप जाइए क्लिक कॉम्बैट में, क्लिक कॉम्बैट के बाद में चूज योर ब्रांच, ब्रांच को चूज करिए और अपने कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्री प्लेसमेंट टॉक के बारे में। मैंने यार यूट्यूब पे देखा किसी ने एक छोटा सा वीडियो भी इसके ऊपर कवर नहीं किया हुआ था कि व्हाट इज प्री प्लेसमेंट टॉक, तो मैंने सोचा एक पूरा एक ब्रीफ मैं आपको बढ़िया सा बता देता हूं, क्योंकि यहां पर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, जो बीटेक में होंगे, थर्ड ईयर में भी हो सकते हैं, अभी तक उन्होंने कोई प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड नहीं किया होगा। एमटेक में बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर में होंगे, उन्होंने अभी आए होंगे या पढ़ रहे होंगे, उन्होंने भी कोई प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड नहीं किया होगा। तो मैंने की हुई है प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड, तो मुझे पता है कि प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्री प्लेसमेंट टॉक क्या होता है, जनरली 2 टाइप की हो सकती है, जैसे कोरोना चल रहा है तो ये ऑनलाइन हो सकती है, या अदरवाइज आपका यहाँ का जो मेन हॉल होगा कॉलेज हॉल, वहां पर ये ऑफलाइन भी कंडक्ट कराई जा सकती है। प्री प्लेसमेंट के अंदर उन बच्चों को बुलाया जाता है जो बच्चे इस साल प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है या उस कंपनी के लिए एलिजिबल है, उनकी प्री प्लेसमेंट टॉक में वो सुनने के लिए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्री प्लेसमेंट टॉक स्टार्ट कैसे होती है। प्री प्लेसमेंट टॉक में कोई ना कोई हेड जो मेंबर्स होते हैं, हेड एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, जैसे कोई डायरेक्टर हो गए, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं आते, वैसे जो डायरेक्टर हो गए किसी डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं। जैसे इंडिया में किसी IIT में प्लेस करने जा रही है, NIT में प्लेस करने जा रही है, तो वहाँ इंडिया के अंदर कोई डायरेक्टर किसी डिपार्टमेंट के वो आ सकते हैं प्री प्लेसमेंट टॉक देने। जरूरी नहीं है एक ही कंपनी में एक ही बंदा हर जगह प्री प्लेसमेंट टॉक जाए देने जाए, बदल सकते हैं। क्या बताते हैं ये लोग प्री प्लेसमेंट टॉक के बारे में। प्री प्लेसमेंट टॉक में सबसे पहले बताते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी के बारे में बताते हैं, तो उसके साथ साथ बताते हैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसके बाद ये बताते हैं कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कब फाउंडेड हुई और अभी वो क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई मान लो कोई कंपनी 1980 में फाउंड हुई और अभी वो मार्केट में कहां पर है, उसके साथ साथ वो ये थोड़ा कंपैरिजन भी बताते हैं कि वो लोग क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी मार्केट के अंदर। जैसे कोई भी एक कंपनी ले लो, जैसे टाटा मोटर्स ले लो, टाटा मोटर्स क्या बना रही है, टाटा मोटर्स स्मॉल कार्स भी बना रही है, टियागो टाइप की, टाइगर टाइप की सेडान कार्स भी बना रही है, SUV टाइप की, ठीक है, कार्स भी बना रही है। तो इसके साथ साथ वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरी PPT एक जैसी हो हर प्री प्लेसमेंट टॉक में आने वाली कंपनी की, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट जनरल चीजें ये लोग ये कवर करते ही करते हैं।
ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद वो कंपैरिजन जरूर दिखाते हैं कॉम्पिटिटर्स से, उनका क्या कंपैरिजन चल रहा है, मतलब उनके मुकाबले और भी क्या कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के बाद वो लोग रिसर्च के बारे में बताते हैं कि उनके यहाँ रिसर्च वगैरह क्या चल रही है, वो लोग किस चीज पर अभी थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में छोटा सा वो इंट्रो दे सकते हैं आपको अगर वो चाहते हैं तो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा आ जाता है कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स, तो अपने एम्प्लॉयज को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है, बाहर भेजते हैं, किसी IIT में भेज सकते हैं किसी, जिसको स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बोला जाता है। तो ये बताते हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कैसा होता है, किन किन यूनिवर्सिटीज से फॉरेन में इंडिया में उनके कोलैबोरेशन है, तो मतलब इस टाइप का भी वो अगर वो दे रहे हैं छोटा सा पार्ट कि हमारा इस तरीके का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं, हाँ तो मतलब आपके पास चांस है आप मास्टर डिग्री और हायर डिग्रीज कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में रहते हुए, तो ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर। बट वो ये भी कवर करते हैं कि वो अभी वो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज कितने हैं, उनके हेड ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं और कब कब वहाँ पर ऑफिसेस खुले, इस चीज़ की भी एक छोटी सी इंट्रो वो लोग वहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हॉलीडेज़ वगैरह, वो कई बार यहाँ पे जो प्री प्लेसमेंट टॉक में जो कंपनीज आती है वो हॉलीडेज़ के बारे में बताती हैं कि आपको कितने दिन का हॉलीडे मिलेगा कंपनी में, सिक लीव होगी तो कितने 10-12 दिन का हॉलीडे मिलेगा, तो अपने पर्सनल हॉलीडेज कितने ले सकते हो, मतलब आप अपने अपना आपसे कितनी छुट्टियां मार सकते हो, ये एक हॉलीडे में कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ आपको कंपनी कितने अलग से हॉलीडेज प्रोवाइड करेगी, जो अलग अलग हॉलीडेज वाले डेज आएंगे उसमें कितने आपको हॉलीडे मिलेंगे। हॉलीडेज वगैरह जो होते हैं ये पूरे काट के होते हैं सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे तो जनरली कंपनीज ऑफ रहती है, कहीं कहीं 6 दिन का काम होता है वर्किंग कल्चर होता है, कहीं 5 दिन का वर्किंग कल्चर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पे प्रोसेस, जिसमें एक टर्म आता है CTC। तो कई बार क्या होता है कंपनीज बताती हैं कि वो किस प्रोग्राम के लिए हायर करने आई हैं और उनका CTC क्या है। कई बार ये CTC अलग अलग डिग्रीज के लिए अलग अलग वेरी कर सकता है, कई बार MTech का CTC BTech से ज्यादा हो सकता है, कई बार BTech का CTC MTech से ज्यादा हो सकता है। तो कई बार चाहती है कंपनी तो CTC के बारे को भी बता देती है कि CTC में उनको क्या कितना कितना मिलेगा, मतलब फिक्स्ड पे कितनी मिलेगी, उसके साथ साथ जो अलग से अलाउंसेज है वो कितने सारे मिलेंगे, और कई बार ये कंपनीज नहीं बताती है, सिंपल CTC बता देती है। अब वो कंपनीज ये बता देती है कि उन्होंने किस किस ब्रांच को अलाउ किया है उस पर्टिकुलरली जो इंजीनियर्स के लिए वो पोस्ट करने आई है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए आया है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर में MTech में उन्होंने किस किस डिग्री को अलाउ किया है, उसके साथ साथ BTech में उन्होंने किस किस को अलाउ किया है, इस चीज के बारे में पूरा वो प्री प्लेसमेंट टॉक में बता देते हैं, तो उसमें लिखा होता है। उसके साथ साथ वो ये भी बता देते हैं कि आपको क्या क्राइटेरिया है, CGPA का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपके पास ईयर गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी वहां पर वो कई बार डिफाइन कर देती है प्री प्लेसमेंट टॉक के अंदर। यहाँ पर वो पूरे रोल्स को भी डिफाइन करेंगे, जो रोल्स के लिए वो आए हैं हायर करने उन रोल्स को भी अच्छी तरीके से वो लोग डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ उनके अलाउड ब्रांचेस को तो वो बताएंगी ही बताएंगी। कई क्या होता है कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात होती है कि जब प्री प्लेसमेंट टॉक एंड होती है तो इसके बाद एक Q&A सेशन कंडक्ट कराया जाता है, तो Q&A के अंदर आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर क्या क्या रहने वाले हैं। तो Q&A में आपको बता देता हूँ सिंपली, लोग पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन जो भी है, पे प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, CTC से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्या होता है कई बार लोगों के मन में कुछ डाउट आते हैं, तो उन डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहला डाउट आता है यहाँ पर, क्या आप अगर क्वेश्चंस पूछते हो तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या रिटर्न देने जाओगे तो क्या आपको जज करेंगे, ठीक है, या जब आप प्री प्लेसमेंट टॉक में क्वेश्चन पूछते हो तो क्या आपको जज करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिंदास क्वेश्चन पूछिए, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल हो तो ज्यादा बेटर होगा, फालतू के क्वेश्चन मत पूछिएगा, इससे थोड़ा आपका भी इंप्रेशन खराब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या प्री प्लेसमेंट टॉक कंपलसरी होती है? देखो कई बार कंपलसरी भी होती है, कई बार नहीं भी कंपलसरी होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर प्री प्लेसमेंट टॉक हो रही है तो आपको अटेंड जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार HR इंटरव्यू में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे जो कंपलसरी तो नहीं होगी बट अटेंड करिए, मेरा मानिए तो अटेंड करिए, कोई भी कंपनी है उसके प्री प्लेसमेंट टॉक को अटेंड करिए। एक और सजेशन है कि आप जो भी वो बता रहे हैं अगर आप लोग ऑफलाइन जा रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लो, है ना, अदरवाइज क्या करो, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद लोग पूछते हैं क्या सर हमें फॉर्मल्स कपड़े पहन के जाना चाहिए या सेविंग कराना चाहिए? देखो ये आपके कंप्लीटली TP पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो सेल है उस पे डिपेंड करता है। अगर वो कह रहे हैं फॉर्मल्स और सेविंग के साथ आओ तो फॉर्मल्स और सेविंग के साथ आओ, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ऑफलाइन है तो फॉर्मल्स और सेविंग्स के साथ आना ही चाहिए, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे। अदरवाइज अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में क्या होता है बहुत सारे टाइम कैमरास बंद रहते हैं, कैमरा चालू नहीं करने पड़ते हैं, TP आपको पहले ही बता देगा कि आपको क्या करना है, आपको सेविंग करानी है, फॉर्मल पहनना है कि नहीं पहनना है, कई बार ऑनलाइन में भी पहनना पड़ता है। उसके साथ साथ पूछते हैं ठीक है इंपॉर्टेंस क्या है और कितने आवर्स की हो सकती है, तो ये करीब 2 आवर के आसपास जा सकती है, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में जा सकती है, और
क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? हाँ, इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एचआर में बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करेगी, या कंपनीज के अलग अलग राउंड में कहीं ना कहीं वो आपसे प्री प्लेसमेंट टॉक में एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। इवन मैं भी जब इस कैंपस में आया तो बहुत सारी कंपनीज के नाम मुझे यहाँ आने के बाद पता चले कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, वो उतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का तो मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना था। तो जब प्री प्लेसमेंट टॉक होता है उस कंपनी का पूरा बायोडाटा हम लोगों को मिल जाता है, तो प्री प्लेसमेंट टॉक को जरूर अटेंड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात और बनती है जो मेरी छूट गई, दैट इज प्री प्लेसमेंट टॉक में वो लोग रिटन एंड इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। वो ये बताते हैं कि रिटन पेपर होगा तो क्या होता है, कई बार कंपनीज इसको डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि रिटन के अंदर क्या क्या आने वाला है, ठीक है। वो सिंपल ऐसे बता देती है कि एक रिटन टेस्ट होगा, एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक एचआर इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके कई बार कंपनीज जो आती हैं वो बता देती है कि रिटन के अंदर क्या हो सकता है, कितने एफटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने टेक्निकल क्वेश्चन, कितने प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, इंटरव्यूज कितने राउंड के हो सकते हैं, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ठीक है, और वो कब प्लेस करने आने वाली हैं, कब डेट्स हैं, ये भी वो बता सकती हैं। तो ये पूरा एक जरूरी नहीं है कि रिटन का हमेशा बताएं पैटर्न, हाँ, लेकिन ये जरूर डिफाइन कर देते हैं कि रिटन होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एचआर, कितने इंटरव्यू होंगे और कितने रिटन होंगे, ये सब पूरा वो पहले से ही बता देते हैं। कोडिंग टेस्ट वगैरह के बारे में वो लोग आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में जनरली यहाँ पर बता देते हैं। तो आशा करता हूँ आपके प्री प्लेसमेंट टॉक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लगा हो, और ये भी जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट है उसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो और चाहते हो कि मैं एक आध दो ब्लॉग और बनाऊं, तो उसके लिए कमेंट में बढ़िया सा बता दो, ठीक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। नमस्कार।